रायबरेली में किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय पासी सेना से जुड़े किसानों ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय पासी के नेतृत्व में रायबरेली रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए जैसे ही रेल रोकने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ व जीआरपी के जवानों के साथ सीओआरपीएफ अभिषेक कुमार, थाना प्रभारी जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आपको बता दें कि एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित ने मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर धरना दे रहे किसानों से प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन प्राप्त किया। प्रदर्शनकारी हल, फावड़ा, खुर्प, हंसिया जैसे यंत्रों से लैस थे। प्रधानमंत्री को भेजे गए मांग पत्र में लिखा गया है कि जिस तरह से अन्नदाताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जब जाहिर है कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है, किसान आंदोलन न कर सके, इसलिए सर्दों जैसी स्थिति तथा कीले लगाना, बैरिकेडिंग करना, कंटीले तार बांधना तथा फर्जी मुकदमे लगाना आदि है। ज्ञापन में लिखा गया है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि अपने ही देश के किसानों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही से राष्ट्रीय पासी सेना के कार्यकर्ता में आक्रोश है और वह इसी क्रम में जनपद रायबरेली के रेलवे स्टेशन में रेल रोककर अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कानूनों को वापस लें। 26 जनवरी 2021 तक जो 171 किसान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए। किसानों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। लापता किसानों का पता लगाकर उनके परिवार के सुपुर्द किया जाए। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर विक्रम पटेल, सुरेश पटेल, सचिन पासी, अखिलेश पासी, अमर लोधी, अंगनू लोधी, संजय लोधी, बाबूलाल लोधी, लाला लोधी, विश्राम लोधी, अध्यक्ष अमर शहीद वीरा पासी, सामाजिक सेवा संस्थान पुनः पासी, रामलखन यादव, राजाराम पासी, सुनील पाल, देवतादीन पासी, तेज बहादुर यादव, बराती पासी, राजकुमार कुरील, गुड्डू पाल, बाबू राम पासी, रोहित पाल, सुभाष पासी, रजन पासी, सर्वेश पाल, सुंदर पासी, राममिलन यादव, सुंदर पाल, दिनेश पासी, सोनू पासी, गुड्डू खां, करण पासी, नीरज पासी, मोहम्मद अयाज, केशवराम पासी, अजय पासी, विनोद पासी, हिमांशु पासी, विजय पासी, सोनू राजवंशी, शिवलाल राजवंशी, गंगा प्रसाद पासी, शुभम पासी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आवाज़ क्या आ रहा है?